नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलता हूं। नेहा चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली। हाँ। नाथूराम उर्फ नारा, पजामे में बांधने वाला नारा नहीं, इलेक्शन में लगाने वाला नारा नहीं, केवल नारा। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। ये प्राणी आपको परेशान कर सकता था, इसलिए मैंने खामोश कर दिया। मैं मैदान का रहने वाला हूँ, पहाड़ मुझे पसंद नहीं, नैनीताल भी नहीं। अगर आपको यहाँ रहना हो तो आपके लिए मैंने कमरा साफ करवा दिया है। यदि आपको रात को यहाँ अकेले में डर लगे या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज प्लीज नाथूराम नाड़ा को बिल्कुल याद नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ड्यूटी इन द नाइट। मैडम, आपको मेरी इस खास घड़ी को देखकर अब तो अंदाजा हो गया होगा कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। मैं तो ये मानता हूं कि जो बेवकूफ इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता बल्कि बर्बाद कर देता है उसको, वो बात अलग है कि यहाँ मेरी जिंदगी चूहों ने बर्बाद कर दी है। शाम को 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है और इस वक्त मेरी घड़ी में बज रहे हैं 4:59:27 और मुझे अपनी जूलियट यानी स्कूटी तक पहुँचने में 7 सेकंड लगेंगे। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ बाकी बचे 26 सेकंड और इतने कम समय में मैं आपकी किसी बात का जवाब दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल सुबह ठीक 9:23 पे नारा हाजिर हो जाएगा। तब तक लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जैसा मालिक वैसा नौकर, मजा आएगा। पपरा पपारारा, पपरा पपारारा, ला ला ला, papara paparara, papara paparara, la la la, la 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 la, la 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 la. लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है। यहाँ की पालने में शॉर्ट सर्किट है, आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए, देखिए वो देखिए, शॉर्ट सर्किट हुआ है। अगर शावर का टैप छू लेती तो चिपक जाती उससे। ओह माय गॉड, अब समझ में आया कब से डोरबेल बजा रहा हूँ मैं, लेकिन आप तो बस अपनी धुन में थी, मजबूर होकर मुझे इस तरह आना पड़ा। अब रुकिए, अभी आया। अब सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनिए, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ठीक है, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन मेरा तरीका गलत था, इरादा नहीं। थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं। वैसे मेरा नाम राज है और मैं सामने वाली कॉटेज में रहता हूँ। आप शायद डबराल साहब की खास मेहमान हैं। मेहमान नहीं, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ। माय नेम इज नेहा चोपड़ा। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री ली है और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ओह, क्या बात है, मतलब चीजों को खूबसूरत बनाने की पढ़ाई की है आपने। जी। वेरी गुड। वैसे मेरे शौक भी कुछ ऐसे ही हैं। धीरे धीरे जान जाएंगे आप। और हाँ, कभी कोई जरूरत पड़े
तो याद कीजिएगा, आपने नहीं भी किया तब भी हाजिर हो जाऊंगा। बाय बाय। वैसे एक बात है, बहुत कम लोग होंगे जिनकी पहली मुलाकात ऐसी हुई होगी। Beauty with body. थैंक यू तिवारी। हेलो। देखा, चाहा और पहुंच गया तुम तक। कैसे लगी लोकेशन? जवाब नहीं है सर, सुपर्ब। यहाँ का इंटीरियर और लैंडस्केपिंग एक चैलेंज है, एंड आई लव चैलेंजेस। थैंक यू सो मच सर। गुड। खास समय पर खास काम के लिए खास इंसान को ढूंढ लेना मेरी खासियत ठहरी, मानती हो ना तुम? यस सर। सर, काफी आवाजें आ रही हैं। कोई बचने की कोशिश कर रहा है। तुमने अपने रहने के बारे में क्या सोचा? मैं यही रह लूंगी सर। यहाँ रहकर मैं अपना काम और ठीक से कर पाऊंगी। तुम आराम से रहो वहां पर, बिना किसी डर के, क्योंकि मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सर। नाइस इंटरेस्टिंग गर्ल। कमिंग, वन सेकेंड। आई एम बैक। मैंने कहा था ना, आप याद नहीं भी करेंगी तब भी। आइए ना। लेकिन ये सब क्या है? देखिए, अभी मेरे आने की दो वजह। पहली, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता था कि मैं शरीफों की तरह भी अंदर आना जानता हूँ। और दूसरी, मैं जानता था यहाँ का कैटेगर नाथुराम, जो समझ में नहीं आता घड़ी उससे पैदा हुई है या वो घड़ी से ठीक 5 बजे चला गया होगा। और मुझे पूरा यकीन था इस वक्त आपका दिल चाह रहा होगा गर्मा गर्म चाय पीने का। लीजिए। बस फिर क्या था, अपने आप को एक अच्छा पड़ोसी साबित करने की तमन्ना जोश मारने लगी, फिर चाय ने उबल कर दम लिया और हाथों ने सैंडविच बनाकर ये लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आप। हाँ, तभी तो यहाँ सुनसान में अकेला रहता हूँ। अब आप शायद सोच रही होंगी कि मैं करता क्या हूँ। तो आपका काम है चीजों को खूबसूरत बनाना, और मेरा काम है खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देना। नहीं समझी ना? मैं एक फोटोग्राफर और पेंटर हूं, और इतना कमा लेता हूं कि ठीक ठीक तरीके से रह सकूं। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, चलता हूं। वैसे एक बात है, छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना? आइंदा दरवाजा देख के खोलना। गुड नाइट।